इस किल्टे का वेट होगा 50 to 55 kg। इस संकरे से रास्ते से होके जाना है और यहाँ पत्थर ही पत्थर है। वो घास जिसकी मम्मा बात कर रही थी पहले, बुशोंडा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ये ना पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर जो थैली में लगा था ना, ये एप्रिकॉट जैसी होती है पर एप्रिकॉट का जो हेड डाउन कर देती है अपना खुजली करने के लिए। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से। मैंने पिछले कल बोला होगा लास्ट ब्लॉग में कि मुझे ज़ुकाम लग जाएंगे और ऐसा ही हो गया है। मेरा गला दर्द हो रहा है और मुझे थोड़ी बहुत सी खांसी हो रही है। मैं अभी उठ रही हूँ सो के, क्योंकि दिन को तूफान आ रहा था, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी तो मैं सो गई थी और तबीयत भी ख़राब थी। तो अभी मम्मी का कॉल आया था कि उठ जा घास के लिए चलते हैं, तो मैं और मम्मा अभी जा रहे घास के लिए। जो कल मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है उसके बाद मेरा मन नहीं है घास के लिए जाने का, पर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मम्मी के साथ, देखते हैं मम्मी किधर है। मम्मी तो शायद अपने ग्लव्स ले के हैं, ये मेरे ग्लव्स है, और अपने शूज़ ढूंढते हैं। ये मेरे शूज़ भी मिल गए। मम्मा भी आगे नीचे से पता नहीं कहाँ गए थे। और इधर देखिए जी, कपड़ों की बाढ़, उधर 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 इधर इधर, बहुत पता नहीं किधर किधर, सारे में कपड़े कपड़े। मम्मी बोल रहे कि मम्मी ने आज खलियान में ना हमारे घास उग रहा था वो साफ किया, जो ना निकलता नहीं, इतना टाइट वाला घास उगता उसमें। तो मम्मी बोल रहे कि मेरा काम भी दिखा, मैंने खलियान साफ किया। और मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई। हाँ, यूजुअली ना इतने कपड़े रहते नहीं है जितने इतने सारे, तो इतने दिन से मौसम ख़राब था और शादी वगैरह थी तो ड्रेसेस चेंज होती रहती है, तो इतने सारे कपड़े हैं, बहुत ही सारे। आज तो मैं सुबह से कपड़े धो रही थी और लकीली 11:30 के करीब मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, और लाइट भी तभी चलेगी, मेरे कपड़े धुलने तक लाइट चलेगी, तो अच्छा है सारे कपड़े धुल गए, वरना कल और रहने थे। बाकी मैं खलियान दिखाती हूँ आपको, मम्मा ने साफ किया है। ये देखिए जी, इधर उधर साइड को ना घास घास उग रहा था पूरा, तो मम्मी ने सारा घास निकाल दिया। अब इस पर लिपाई करेंगे हम गोबर की, ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। और जब ये रास्ता बन रहा था ना, तब यहाँ पे सीमेंट, जो भी बोलते हैं, सीमेंट मिक्स करा था, तो इतने जैसे में पत्थर पत्थर सा हो गया। थोड़े दिन में ये भी खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, जैसे जैसे झाड़ू मारते रहेंगे उसके साथ साथ ही क्लियर होता रहेगा। लाली को आजकल इधर साइड पे बांधते, क्योंकि आगे बांधते थे वहाँ धूप आती थी, और यहाँ पे ये जो पेड़ वगैरह है इधर से, इनकी वजह से दिन के टाइम पे छाया रहती है, और अभी भी छाया होगी। नीचे जहाँ बांधते थे वहाँ तो अभी भी धूप है, तो इसके लिए गर्मियों के लिए अच्छा हो गया। और इसके पास आती है ना, ये हेड डाउन कर देती है अपना खुजली करने के लिए, जितनी बार इसके पास आओ। बस बस अब मुझे जाना है। मम्मी बोल रही कि दराटे की धार कम होगी, इसमें धार लगानी पड़ेगी। कहाँ लगानी? अब इसमें कल लगाएंगे। गाय लग गई पीछे भौं भौं करने। इधर देखिए जी, आजकल हमने ये जुगाड़ कर रखा है, मैं दिखाऊंगी कहाँ से किया है। इधर कंबल रखे हैं जो धोए थे, धोने के लिए, मतलब जो हमारा नलका है ना जहाँ से पानी आता है, वहाँ ऊपर पे एक नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से हमारे नलकों में पानी आता है, बाथरूम वगैरह में भी। तो आजकल पानी ना कम हो गया है, इसलिए हमने ये वाला जुगाड़ किया है। मैं दिखाती हूँ कहाँ से, इधर साइड से, यहाँ पे, यहाँ से हमने ये जुगाड़ करा है। ये जो पानी है ना, ये भी नेचुरल रिसोर्स से आता है, पर ये मतलब ऐसा है कि जो हमारे नलकों में आता है ना, वहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर से आता है, वो 12 महीने रहता है, तो हमारे नलकों में भी अच्छा खासा पानी रहता है, पर आजकल कम है। तो ये वाला आता है, ये बरसात के टाइम पे जाता था, बाकी ये कम रहता है, इसलिए हमने ड्रम के लिए ये लगाया है। यहाँ से ये पाइप लगाइए, ड्रम भरता रहेगा। और पीछे पीछे ना लाली भौं भौं करनी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही हम लोग कहीं जाते हैं और ख़ास करके मम्मी कहीं जाते हैं, तो ये पीछे भौं भौं करना शुरू कर देती है। चुल्लू देखिए जी, कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी होगी। ये एप्रिकॉट जैसी होती है, पर एप्रिकॉट का जो अंदर का बीज होता है वो मीठा होता है और इसका कड़वा होता है,
बहुत बड़ी बड़ी होगी, अब कुछ टाइम में ये पक जाएगी और काफ़ी सारी इस बारी चुल्लो। इधर साइड तो काफ़ी सारी है। यहाँ पर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये देखिए जी, हमारे घर के चारों तरफ ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है। और हम चाची के खेत पहुँच गए जहाँ की कल की जर्नी है मेरी, इस परे वाले पौधे में मैंने है ही नहीं, डोखरे में कमी है। मैंने ये वाले तौले से निकाला था और जैसे मैं उसमें पहुंची तो इधर से जो रास्ता है ना बहुत पत्तों वाला है। जो ये पेड़ है, हमारी लैंग्वेज में इसको मोरू बोलते हैं, इसके पत्ते यहाँ पूरे रास्ते में और ये बहुत ही स्लिप करते हैं। परसों तो मैं गिरी गई थी, मेरा किल्टा ही टेढ़ा हो गया यहाँ से घास लाते लाते, तो मम्मा इनको साफ कर रहे हैं। सूख गई आजकल इसकी लीव्स कुछ इस तरह की है और ये बहुत ही स्लिपरी होती है। सर्दियों में ना ये बकरियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए काटा होगा और उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा खा के ऐसे फेंक दिया, तो ये सूख के बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगी। ये पीछे वाला है हमारा खेत और यहाँ पर देखिए जी, हमारे पड़ोसियों की चेरी का पेड़ है यहाँ पे, और उन्होंने इस तरह से नेट से कवर कर रखा है ताकि चिड़िया वगैरह ना खाए चेरी, वरना चिड़िया सारी चेरी खा जाती है और अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। पर इसमें जो फ्लावर थे ना वो सारे इस तरह से इकट्ठे हो गए नीचे। मम्मी तो चले गए अपने खेत, मैं दिखाती हूँ आपको हमारे खेत में मैंने कितना घास निकाला है। इधर 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 है हमारा खेत, ये देखिए जी, इधर से सारा, इधर इधर उधर उधर तक, और पीछे को बड़ा बड़ा घास दिख रहा है तो वो निकालना है। इससे ये सेब के पौधे के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम जो घास उगता है ना वो थोड़ा ख़राब ख़राब सा होता है, एक बारी निकाल देंगे तो सेकंड टाइम अच्छा घास आता है। मम्मी के जुकाम लग के बुरे हाल है, मम्मी को जुकाम लगे तो मम्मी अपनी कथा सुना रहे जुकाम की। अभी हम खेत तो पहुंच गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हमारे खेत के लिए काफ़ी चढ़ाई है, उसके बाद निकालेंगे इधर घास सारा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेब के बारे में, इस बारी ना सेब बहुत कम है क्योंकि मई स्टार्ट हो गया और इतनी ठंड है, बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, गर्मी होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए सेब की फसल इस बारी काफ़ी कम है। और पीछे देखो मेरे, इस पे तो पत्ते ही नहीं आ रखे, बहुत कम कम पत्ते इन पे, तो यहाँ पे जो सेब है यहाँ पे बहुत कम कम पत्ते, और घर के पास जो सेब है उन पे पत्ते तो ठीक है, सेब बहुत कम है। थोड़े देखो अब मेरे मुंह पे इतने सारे हो रहे हैं। मम्मी काफ़ी थक गए आज खलिहान की सफाई कर करके, इसलिए घास मैं निकालूंगी, मम्मी चकेंगे बस अपना गिल्टा। चलिए जी शुरू करते हैं। और यहाँ देखो तो उग गया वो काके ने, दिखाती हूँ मैं क्या इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये काफ़ी हरा भरा हो गया है। ये ना पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर जो थैली में लगा था ना, कहाँ दिखाऊँ मैं, इस वाली थैली में जो पॉलिनेटर लगे थे ये तो सूख गए सारे, पर इस वाले पॉलिनेटर में जड़ आ रखी थी तो काके ने ऐसे ज़मीन में घुसा दिया कि चलो इसको लगाते हैं, और ये सच्ची में उग गया। सेब की फसल इस बार बहुत ही कम है, हमारे तो बहुत कम सेब लगे हैं, वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको दो सेब, बाकी ढूंढ ढूंढ के करने पड़ रहे हैं सेब के पौधों में इस तरह से। यहाँ देखिए जी, ये कुछ बड़े हो रहे हैं कुछ इस तरह से टूटे हुए हैं, सेब तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इधर देखिए सारे इस तरह से खुद ही निकल रहे हैं, थोड़े बहुत से सेब हैं जो यहाँ इस तरह से, थोड़े बहुत से सेब है जो ढूंढ ढूंढ के करने पड़ रहे, बाकी तो सेब है ही नहीं। इधर है थोड़े से उगे, यहाँ देखिए जितने, यहाँ कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से, यहाँ एक तो ये देखिए जी, एक एक सेब है, कहीं कहीं पे एक एक दो दो इस तरह से, बाकी तो सेब ही नहीं। इस पौधे पे आई थी सबसे ज्यादा सेब है तो मैं इसके पास आ गई थी।
देखिए जी, ये है वो घास जिसकी मम्मा बात कर रही थी पहले, बुशोंडा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। और ये ना इस तरह से कांटों वाला होता है, जब घास निकालते हैं ना, अगर इस पर गलती से हाथ लग गया। मैंने यहाँ इतना घास निकाल दिया है, वो ये, और मम्मी ने निकाला है ये। अब किल्टे में भर के देखते हैं कितना है। अपना किल्टा ना मैंने इतना भर लिया है, इसके ऊपर मुझे भरना नहीं आता है, तो इसके ऊपर मम्मी भरेंगे। मम्मी अभी उधर जा रखे हैं डंडा लाने के लिए, क्योंकि जो इसके ऊपर भरेंगे ना घास, वो गिरे ना तो उसके सेंटर में डंडा लगाते हैं, तो मम्मी गए उसके लिए। और मैंने इस तरह से आगे से अपने इसमें डंडा लगा दिया है, क्योंकि ये ना यहाँ से स्ट्रेट है, जो ये गोल वाला देख रहे हो ना आप, गोल शेप नहीं इसकी पूरी, अगर गोल होता तो ये नहीं गिरता, ये सीधा है और पीछे से ऊपर है, आगे से नीचे को है, ये डाउन, तो यहाँ से गिरता है, इधर से नहीं गिरता। तो मैंने ये एक डंडा लगा दिया इस तरह से, बाकी मम्मी भरेंगे इसके ऊपर। मम्मी तो ना इधर पीछे अपने किल्टे में ऊपर लग गए लगाने, और मुझे बोल रहे कि मैं नहीं लगाऊंगी, तेरा खुद सीख, तू खुद लगा। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, करती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको मेरे से क्या हो पाता है। ये रहा मेरा किल्टा और ये मम्मी का किल्टा, मम्मी ने चक लिया है मेरा किल्टा गिर रहा था, तो मम्मी अभी व्लॉग बनाने के लिए इसको पकड़ के रुकी हुई है। अब मैं भी उठाती हूँ इसको। मैंने अपना किल्टा चक लिया है और अप्रॉक्स इस किल्टे का वेट होगा 50 to 55 kg। रास्ता ऐसा ख़राब है ना यहाँ से मेरे घर जाने के लिए, दिखाती हूँ मैं। पहले तो यहीं से देख लो आप, यहाँ चिकनी मिट्टी है और इस पे पैर रखते ही फिसल जाते हैं। उधर गांव के चाची जी भी लगे हैं घास निकालने में। बाकी रास्ता मैं नीचे को दिखाती हूँ, नीचे को ज़्यादा ख़राब है। दूसरा पड़ाव है ये वाला, यहाँ से उतराइए ना तो इन पत्तों पे ज़्यादा ही फिसलते हैं। मम्मी तो वहाँ पहुँच गए। कोई ना मुझे कमेंट में भी बोल रहा था, मैंने बहुत पहले बोला था कि काफ़ी ख़तरनाक रास्ते हैं, तो बोल रहा था कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक तो ईरान इराक, इस तरह से कुछ कमेंट था। तो मैं बोल दूँ कि नॉर्मली तो इन रास्तों में चलना आसान है, बट पीठ पर अगर आपके पास लगभग 60 kg का वेट हो और आपको ऐसे रास्तों में चलना पड़े तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऊपर से आप इसको मूव भी नहीं कर सकते ज़्यादा, वरना घास गिर जाएगा, तो आपको स्ट्रेट चलना पड़ता है। और अभी धूप लग रही है, नीचे जाके मिलती हूँ मैं, जहाँ रास्ता ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ देखिए जी, रास्ता पैर रखने की जगह भी नहीं है, इधर नीचे इस संकरे से रास्ते से होके जाना है, और यहाँ पत्थर ही पत्थर है, तो सीधा सीधा है नहीं, तो इन पैरों के ऊपर से ना जो फंगस लगी होती है उससे पैर फिसलता है। बस यहाँ तक ही ख़राब है, वहाँ तक, यहाँ से परे तो खेत है, तो सीधा सीधा है। मैं इसको क्रॉस कर लेती हूँ पहले। फाइनली हम घर पहुंच गए और किल्टे इधर रख दिए दोनों, और पसीने आ रहे, काफ़ी थकान होगी। लाली अब लाल चीज़ ऐसी देख रही है घास को, देखो फिर से आ गई मेरे पास, मैं इतनी दूर बैठी थी अपनी, जो ये घास डालने के लिए इसको क्रॉस करके आ गई है यहाँ पे, सिर में खुजली करवाने के लिए। जा ही नहीं रही, इसको खुजली करवानी है। तो करते हैं अब डिनर बनाने की तैयारी, और आज के ब्लॉग की कर देते हैं एंडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, 800 होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा के 1K कर दीजिए जल्दी से जल्दी। मैं सोनू दीवांटा, मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।